ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम आपको एक आसन के द्वारा, एक अभ्यास के द्वारा आपका पूरा बॉडी शेप में आप कैसे लाएं वो बताने जा रहे हैं। और ये जो आपका बॉडी है पूरा शेप में जो आएगा वो एक ही अभ्यास से आएगा, और ये बड़ा सरल और अच्छा अभ्यास है। आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो आप पूरा कर पाएंगे। पर इसके अभ्यास से पहले आपको बता दूं, यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो पहले स्वास्थ्य नियम के जो निर्देश वीडियो में हमने दिए हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, स्वास्थ्य नियम का पालन करिए। यदि आप स्वास्थ्य नियम का पालन करने से आपका पेट नॉर्मल साफ हो जाए तो अच्छी बात, और नहीं होता तो उधर प्ले लिस्ट में हमने पेट साफ करने के लिए वीडियोज़ दिए हैं, आप उनको देखिए और निर्देशों का पालन करेंगे तो आपका पेट साफ होने लगेगा। और साथ ही यदि कोई जोड़ों में दर्द है, जैसे गर्दन में है, कंधे में है, कमर में है, तो हमारी प्लेलिस्ट है मजबूत जोड़, उसमें मैंने पॉइंट्स बताए हैं। तो ये पॉइंट्स देते हैं, थोड़ा नियम पालन करते हैं, स्वास्थ्य नियम का पालन करते हैं तो आपके जॉइंट पेन में आपको धीरे धीरे आराम हो जाएगा। और उसके साथ ही इस अभ्यास को करेंगे तो ये पूरा लाभ आपको देगा। मित्रों, हमारी एक ही जो इच्छा है, हमारा एक ही मोटिव होता है कि आपको कोई भी कुछ भी अभ्यास आप करते तो उसमें आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, लाभ आपको पूरा मिले, नुकसान ना हो पर लाभ आपको पूरा मिले। तो आज का जो आसन है, इस अभ्यास से ये हाइट बढ़ाने में भी सहायता करता है, पर एक उम्र के बाद हाइट नहीं बढ़ती है। जैसे लड़कियों की हाइट जो है वो करीब 18 साल के बाद कम बढ़ती है, क्योंकि और कई बार तो पीरियड्स आ जाते हैं उसके बाद हाइट बढ़ना बहुत धीमा हो जाता है। उस स्थिति में आप इस अभ्यास को करते हैं तो आप यदि 18-20 साल से कम के हैं तो एक बार कोशिश कर सकते हैं कि इस अभ्यास से आपका हाइट बढ़ सकती है और साथ ही आपका बॉडी शेप में आ जाएगा। और बॉडी का शेप कैसे होता है, मतलब जहां भी एक्स्ट्रा फैट है, जो भी एक्स्ट्रा है वो सब निकाल देगा, और बॉडी का सही शेप कैसा होना चाहिए वैसे शेप में लाएगा। और हाँ, ये जो अभ्यास है ये महिलाओं के लिए खास है, इसको पुरुष कर सकते हैं पर पुरुष उतनी मात्रा में नहीं कर सकते जितनी मात्रा में महिला कर सकती है। महिलाओं के लिए अभ्यास बहुत अच्छा है, तो महिलाओं के लिए विशेष अभ्यास है। तो चलिए, आज हम आपको ये अभ्यास करके बता रहे हैं कि आपको कैसे इसको करना है। चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको, हाँ आपको एक बात, एक क्रिया बता दूँ कि आपको जो करना है, जब हमारे पैर सीधे होकर नीचे होते हैं, क्योंकि कई बार कैमरा पूरा होता है तो दिखाई नहीं देता है, तो मैं आपको बता दूँ कि जो आपके पैर नीचे जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, जब हम आपको बोलेंगे भाई आप सांस अब आप ले सकते हैं, सांस छोड़ के आप नॉर्मल हो जाइए, तो आपको पैर ऊपर ऐसे खींच लेने, जब आप ऊपर करेंगे तो ये देखिए जमीन से पैर उठ गए हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जमीन से पैर आपके उठ जाएंगे तो वो पूरा लाभ, उठने के बाद वो पूरा ये खिंचाव आता है तो ये बहुत अच्छा लाभ देता है, और नीचे जाता है तो ये पूरा यहाँ पे पूरा तनाव आता है तो वो इसको भी कम करता है, बैलेंस करता है, मतलब कम करता है मतलब बैलेंस करता है। और मित्रों, मेरी समस्या ऐसी है कि मैं गतिमान व्यायाम नहीं कर सकती, तो मुझे सारे आसनों के सहारे अपने आप को बैलेंस करना पड़ रहा है। तो मुझे समझ में आया कि भाई ये भी एक तरीका है जिससे आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। और कभी कभी गति के साथ दुर्गति भी हो जाती है कि यदि मैं फास्ट व्यायाम करती तो मेरी सांस फूलती है और सांस की गति बढ़ती है तो उससे मेरे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, तो मैं गर्मी बढ़ाने वाले अभ्यास नहीं कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमने ढूंढी हैं ताकि इससे भी आप कुछ सहायता मदद ले सकें। चलिए, अभी मेरा पेट जो वजन बढ़ा हुआ है, आपको बता दूं जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं जो हमने वजन घटाया और वो सब दिए हैं, वो करीब 47 किलो मेरा वजन था तब के वीडियो है, और ये वजन अभी मेरा 57 किलो के आसपास है, मतलब 10 किलो वजन पूरा ज़्यादा है। और फिर भी आप देख सकते हैं कि 10 किलो वजन के बाद भी बॉडी इतना शेप में है, बहुत ज़्यादा शेप में नहीं है पर कुछ है। हाँ, अब हम इसको पूरा शेप में लाने के अभ्यास में लग रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये आप सीधा लेट जाइए करवट से होके, और जब आप सीधा लेट जाएंगे आपके पैर नीचे सीधे और हाथ अभी यहाँ रखें, और उसके बाद धीरे धीरे आप धीरे से आप अपने हाथ ऊपर ले जाएंगे, जिससे मतलब जैसे ले जाने ले जाइए वो बोलने में निकल जाता है। तो अब आप इसको हाथ ऐसे भी ले सकते हैं और आप हाथ ऐसे खुले भी रख सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे वैसे आप रख सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि मुझे लगता है आपको पूरा बॉडी दिखाई देगा मेरा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हाथों को मैं बांध के करती हूँ, अभ्यास हो जाता है, ऐसे खुला भी कर सकते हैं पर मुझे बांध के ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है इसलिए मैं बांध के करती हूँ। तो बांध के हाथ ऊपर खींच देना है और नीचे पैरों को खींच देना है, पर यह अभ्यास सांस भर के होगा। ये जो अभ्यास है ये दीर्घ नौकासन का अभ्यास है, इसका नाम दीर्घ नौकासन है। मेरी प्लेलिस्ट आसन, उसमें आपको वीडियो क्लियर मिल जाएगा और इसमें आपको कितना उठाना है सब आपको वहाँ क्लियर पता चल जाएगा। पर आज अभ्यास को हम कैसे धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आप सीधा वो करने जाएंगे तो नहीं होता है, तो अब धीरे धीरे इसकी शुरुआत कैसे करें हम आपको वो बताने जा रहे हैं। चलिए, ये हमने हाथ ऊपर लिए, उसके बाद ऊपर नीचे खींच देना, कैसे सांस भर के, सांस भरी, नीचे पैर खींच दिए, ऊपर हाथ खींच दिए, देखो पूरा बॉडी स्ट्रेच हो जाएगा आपका, पूरा बॉडी स्ट्रेच, कमर अपने हिस्से से उठ जाएगी। देखो कमर के नीचे में हाथ डाल दूं तो चला जाएगा, पूरा हाथ कमर के नीचे मेरा चला गया है और इतनी मेरी कमर उठ गई है, आपकी नहीं उठे तो जितनी उठे उतनी उठा लीजिए। पहले तीन दिन आप ये अभ्यास ऐसे करेंगे, और जैसे आप अभ्यास करेंगे ये अभ्यास आप 5 से 50 100 बार कर सकते हैं। और अभ्यास करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको अभ्यास में स्थिर होना है,
मतलब जब सांस आपने भर रखी है तो आप जिस स्थिति में ऐसे स्थिर हो जाएंगे, जब आपको लगे कि सांस छोड़ने, तो आपको छोड़ने के लिए पहले नॉर्मल पोज में आना है और सांस साथ में छोड़ देना है, ऐसा करना है। फिर से एक बार इस अभ्यास को देखिए, सांस भरी, खींच दिया, सांस छोड़ दी, सांस छूट गई, सांस भरी, खींच दिया, छूट गई, छोड़ दिया। मतलब आपको इसमें बीच में सांस एक्स्ट्रा नहीं लेनी, सांसों का गैप नहीं करना है, वरना बॉडी रिलैक्स हो जाता है तो फिर आपको वो लाभ नहीं मिलता है। चलिए अब इसका दूसरा अभ्यास हम करेंगे। इसमें थोड़ी गर्दन उठाएंगे और थोड़े से पैर उठाएंगे, कैसे, ये हाथों के ऊपर कर दिए, पूरे खींच दिए, सांस भर के रुकेंगे थोड़ी देर और वापस बैक, सांस छोड़ दी, सांस भरी, वापस सेम अभ्यास, बैक आ गए। अब हम गर्दन के साथ थोड़े कंधे उठाएंगे, थोड़े पैरों को और उठाएंगे, कैसे, सांस भरी, छोड़ दी, सांस छोड़ दी, सांस भरी, मित्रों आसन का मतलब होता है, ये आसन बेस अभ्यास है ना, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको उस स्थिति में स्थिर होना है। स्थिर होने का मतलब क्या है, जब आप सांस भर के उस पोज में जाते हैं तो आपको वहाँ थोड़ी देर स्थिर होना है और उस समय आपको सांस ना लेनी है ना छोड़नी है, तो आप वहाँ स्थिर स्थिति में रहेंगे। और जैसे आपको लगे कि सांस भर के हम गए थे तो सांस छोड़नी है, तो सांस छोड़ते हुए अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाइए, फिर सांस छोड़ दी, फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि एक दो सांस ले ली फिर हम अगला अभ्यास करेंगे, नहीं, फिर आप अगली सांस भरेंगे तो फिर वापस आपका अभ्यास चालू हो जाएगा। मतलब आपको एक्स्ट्रा सांस बीच में नहीं लेनी, छोड़नी है, इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि यदि आप बीच में एक्स्ट्रा सांस लेते छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है ना, आपका जो बॉडी है जो गति से काम करना चाहिए वो गति नहीं मिल पाती है, तो उसमें आपको फिर पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपको बता रहे कि जब आप अभ्यास करते हैं तो इसका ध्यान रखें। हाँ, ये रुकने की जो स्थिति है, जो आप हाथ और पैर जो नौकासन की स्थिति में जब आप रुकेंगे तो ये स्थिति आप शुरुआत में 2-5 सेकंड रुक पाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 सेकंड तक आप रुक पाएंगे। मैं इस आसन के अभ्यास में 40 सेकंड रुक पाती हूँ, 40 सेकंड में रुक लेती हूँ, क्योंकि पर अभी समय नहीं होता है, तो क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है, तो इस स्थिति में हम ज़्यादा देर, हाँ आसन में हमें बताया कि हम थोड़ी देर रुक पाते हैं, तो आप देख सकते हैं, तो आप इस अभ्यास को करिए, ये आपके पूरे बॉडी को शेप में लाएगा। मित्रों जो हमने बताया कि मासिक धर्म शुरू हो जाता है ना, उन लड़कियों की कई बार हाइट रुक जाती है और उनके लिए अभ्यास काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा हमारे प्लेलिस्ट है बाल योग, उसमें हमने हाइट बढ़ाने के लिए कुछ वीडियोस और दिए हैं, जिसमें कुछ अभ्यास और हैं, तो उनका यदि पालन करते हैं, सूर्य नमस्कार आदि सब करते हैं, तो हाइट बढ़ती है और अच्छे से बढ़ती है। पर हाँ, यदि आप पूरे निर्देशों का पालन करते हैं तो बाल योग प्लेलिस्ट में कुछ 3 वीडियो हाइट बढ़ाने के लिए दिए, आप देखिए और हाइट बढ़ा सकते हैं, पर एक उम्र तक। लड़के हैं तो लड़कों की हाइट कुछ 20-22-25 तक बढ़ती है और लड़कियों की हाइट 18-20 तक बढ़ती है, पर आप यदि खान पान और सब कुछ सही है तो संभावनाएं हैं, वरना आप सोचो कि हम कुछ भी करते रहो और सब काम हो जाए, पॉसिबल नहीं होता है। धन्यवाद, वंदे मातरम।